नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल से राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य हैं जो कि अभी चैनल से जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि गुरुजी, आप कर्ण मातंगी की साधना उपलब्ध करवाइए। हमने आपको मातंगी साधना से संबंधित एक पुस्तक भी उपलब्ध करवाई थी और आज हम आपको जो है माता कर्ण मातंगी की साधना उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, कर्ण मातंगी साधना जो है कर्ण पिशाचनी साधना की तरह ही होती है, लेकिन ये एक अच्छी साधना है। कर्ण पिशाचनी साधना में लोगों को बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कर्ण मातंगी साधना में ऐसा कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि ये आपको हमेशा फायदा ही उपलब्ध करवाती है। कर्ण पिशाचनी आपको भविष्य नहीं बता सकती, लेकिन कर्ण मातंगी जो है आपको भविष्य भी बता सकती है और साथ ही साथ आपको जो भी जानकारी देती है वो 100% सटीक होती है। और कई लोगों के साथ ये भी होता है कि भाई, कर्ण पिशाचनी साधना करने के बाद में वो पूजा पाठ नहीं कर सकते क्योंकि वो 50 की साधना कर लेते हैं, लेकिन कर्ण मातंगी साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि माता मातंगी जो है महाविद्याओं में से ही एक है और इनकी साधना करना तो जीवन में सौभाग्य की बात है। तो इसलिए मैं आज आपको कर्ण मातंगी साधना उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चैनल से पहली बार जुड़े होंगे, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उन्हें बताऊं भाई जी कि मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए कई प्रकार की साधनाएँ प्रदान करता हूँ, कई प्रकार की जानकारी अध्यात्म से संबंधित उपलब्ध करवाता हूँ और कई प्रकार की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों में रुचि है, आप धर्म के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर चालू कीजिए। नहीं तो हम जो भी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, जो भी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे वो आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप घंटे के बटन को ज़रूर चालू कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक घंटे के बटन को चालू नहीं किया है, वो सभी लोग भी घंटे के बटन को चालू कर लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं हम कर्ण मातंगी साधना की। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं भाई, कर्ण मातंगी साधना क्यों की जाती है और इसको करने से क्या लाभ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है भाई, कर्ण मातंगी साधना क्यों की जाती है, क्या इसके लाभ होते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति भूत भविष्य की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि भाई मैं भी लोगों के भूत भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकूं, तो उस व्यक्ति के लिए ये साधना बहुत ही अच्छी साधना होती है। अगर वो व्यक्ति इस साधना को करेगा तो उसको हर प्रकार की जानकारी जो है माता के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इस कार्य में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो उसके बारे में भी आप जो है इस साधना से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको पहले पता चल जाएगा भाई, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल होगे या नहीं होगे, जिससे कि आप उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करोगे और दूसरा कार्य करके जिसमें आप सफल होगे अपने जीवन को सुधारोगे। क्योंकि देखिए, जब आप अपने वर्तमान को सुधार लेते हो तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। तो इसी तरीके से इस साधना के द्वारा आप भविष्य की जानकारी प्राप्त करके वर्तमान को सुधार सकते हैं, जिससे कि आपका भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। जो लोग किसी भी प्रकार की पीड़ा से परेशान हैं और वो उसका इलाज चाहते हैं, उसका निदान चाहते हैं, उनके लिए भी ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। हर प्रकार की समस्या का, हर प्रकार की चीज़ों के बारे में ये साधना आपको जानकारी उपलब्ध करवा देती है। चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसका हल भी ये साधना आपको उपलब्ध करवाती है। इस साधना को करने के बाद में स्वयं माता मातंगी आपके कर्ण में सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती हैं। अब देखिए, इस साधना के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इस साधना को करने से केवल आपको माता मातंगी से प्रश्नों के उत्तर ही नहीं प्राप्त होते, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि एक बार अगर आप माता मातंगी की साधना कर लेते हैं और वो 10 महाविद्याओं में से एक है, वो महाविद्या है, इसी कारण से अगर आप माता भवानी की एक बार साधना कर लेंगे तो आपको अन्य कई प्रकार की सिद्धियाँ भी अपने आप प्राप्त होने लग जाएंगी। आपको वाक सिद्धि भी अपने आप होने लग जाएगी, आपको कई प्रकार के दृश्य भी अपने आप दिखने लग जाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा तो उसके बारे में सारे के सारे जो चीज़ें चलचित्र के समान आपके सामने प्रकट होने लग जाएंगी। शुरुआत में तो आप केवल मंत्र के द्वारा ही, मंत्र बोल के ही माता से सवालों के जवाब प्राप्त करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आप बिना मंत्र बोले भी जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने लग जाओगे। और देखिए, अगर जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो यह साधना हर जगह आपका जो है मार्गदर्शन करेगी। साधना बहुत ही अच्छी साधना है, पूर्ण रूप से सात्विक साधना है, एक दिन की साधना है जिसमें यह साधना सिद्ध हो जाती है। अब देखिए, कई भाइयों के साथ ये परेशानी होती है भाई, एक दिन में सिद्ध नहीं होती, तो आप इस साधना को 2 या 3 बार भी कर सकते हो भाई, दोबारा से इस साधना को कर लीजिए, तब आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी।
इसलिए आप इस साधना को जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी साधना है और इसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। देखिए वैसे भविष्य को जानने के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी साधना है, जैसे पाचांगुली साधना हो गई, वो भी भविष्य को जानने के लिए बहुत ही अच्छी और सर्वश्रेष्ठ साधना है, लेकिन उस साधना के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। आज मैं आपको जो है कर्ण माता की साधना के बारे में ही बता रहा हूँ, तो जो भी जानकारी अब मैं बताऊँ उसको कृपया पूर्ण रूप से और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जानकारी को आगे आगे निकाल के देखोगे तो आपसे जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएंगी, इसलिए जानकारी को बिल्कुल भी आगे निकाल के मत देखिएगा, जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए जब आप इस साधना को करोगे तो ये साधना आपको शुक्रवार से शुरू करनी होती है, शुक्रवार के दिन ही ये साधना आपको करनी है, एक दिन की साधना होगी। ठीक है, आपका जो आसन और वस्त्र होंगे वो लाल रंग के होंगे, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी और इसमें जो माला का आप प्रयोग करोगे वो हकीक की माला उपयोग में लोगे, हरे रंग की हकीक की माला आपको इसमें उपयोग में लेनी है। अगर हरे रंग की हकीक की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, लेकिन हरे रंग की हकीक की माला लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और जो भी माला ले वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, कैसे माला को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, कैसे संस्कारित करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक अन्य वीडियो में पहले ही बता दिया है। आज मैं आपको जो है उस वीडियो के बारे में भी जो है नीचे लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर भी आपको दिखाई दे गई होगी आई बटन पे, तो वहाँ से आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको एक चित्र लेना है और चित्र जो है गुरुजी का होना चाहिए, अगर माता मातंगी का चित्र मिलता है तो और भी बहुत अच्छी बात है, अपने गुरुजी का चित्र भी रखिएगा और भगवान भैरव का चित्र भी रखिएगा, तीनों का चित्र आपके पास होना चाहिए। आप बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे सर हमारे गुरुजी नहीं है, तो देखिए अगर आपके गुरु आपने नहीं बनाए हैं, आपको अभी कोई भी गुरु नहीं मिले हैं, तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मानिए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है भाई आप अपने इष्ट देव को भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। जिन लोगों ने अपने इष्ट देव को अपना गुरु माना है वो उनका चित्र लीजिए, जिन्होंने अपने भगवान शिव को अपना गुरु माना है वो भगवान शिव का चित्र ले लीजिए, उसको सामने चौकी पर विराजमान कीजिए और उनको जो है धूप दीप कुमकुम चावल आदि से जो है उनका पूजन कीजिए, उनको पुष्प चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए और दो माला गुरु मंत्र के आप जाप कीजिए। अब दो माला गुरु मंत्र की आपको जाप करनी है, तो देखिए जिनके गुरु हैं उनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं और जो भगवान शिव को गुरु मान रहे हैं या फिर किसी अन्य देव, यानी कि आप अपने इष्ट देव को गुरु मान रहे हैं, तो उसी देव की आपको मंत्र का जाप करना होता है। भगवान शिव का मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, ओम नमः शिवाय है, तो उसका आपको जो है दो माला जाप करना है। और अन्य व्यक्ति जो भी भगवान अपने इष्ट का पूजन कर रहे हैं वो अपने इष्ट के मंत्र का जाप कीजिए, तो आपको दो माला कम से कम गुरु मंत्र का जाप करना है और फिर अपने गुरु से आज्ञा लेनी है कि हे गुरुदेव मैं इस साधना को प्रारंभ कर रहा हूँ और आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और साथ ही अपना आशीर्वाद भी प्रदान कीजिए जिससे कि मुझे इस साधना में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो। इसके बाद में आपको भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है, भगवान भैरव के मंत्र का भी आपको जाप करना होता है। भगवान भैरव का चित्र आप अगर आपके पास है तो आप उसका जो है पूजन कीजिए, उसका भी आप धूप दीप से पूजन कीजिए और फिर भगवान भैरव के मंत्र की एक माला आपको जाप करनी है। भगवान भैरव का मंत्र जो है सामान्य मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसकी आपको एक माला जाप करनी है। अगर आपके पास भगवान भैरव का चित्र उपस्थित नहीं है तो आप भगवान भैरव का मानसिक पूजन कीजिए। अब बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझते कि मानसिक पूजन किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए मानसिक रूप से पूजन इस तरीके से किया जाता है भाई, आप ये महसूस करते हो आंखें बंद करके आप भगवान भैरव का ध्यान करते हो और आप ये सोचते हो कि भगवान भैरव आपके सामने उपस्थित है, उनकी मूर्ति आपके सामने उपस्थित है, आप उन्हें तिलक कर रहे हो, उनकी आरती कर रहे हो, धूप दीप से उनका पूजन कर रहे हो, इस तरीके से मानसिक पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास चित्र उपस्थित नहीं है तो आपको मानसिक पूजन करना है और फिर भगवान भैरव की माला का एक मंत्र आपको जाप करना होता है। फिर आपको एक चौकी पर जो है यंत्र भी स्थापित करना होगा, तो यंत्र जो है आप छोटा सा यंत्र लीजिएगा, माता मातंगी का यंत्र होता है वो आप छोटा सा यंत्र लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा वो यंत्र। उस यंत्र को लेकर आपको जो है एक थाली लेनी है और उस थाली में जो है आपको लाल रंग के पुष्प आप बिछा दीजिएगा और उन पुष्पों के ऊपर उस यंत्र को स्थापित कीजिएगा। यंत्र को स्थापित करने से पहले उसका धूप दीप से पूजन कीजिएगा, उसको स्नान कराइएगा नैवेद्य से और फिर उसको स्थापित कीजिएगा। और फिर मैंने जो हरे रंग की माला आपसे कही थी भाई, हरे रंग की हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, सबसे उत्तम तो हरे रंग की हकीक की माला होगी, तो उसको लेकर आपको अब माता मातंगी के इस मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जैसा लिखा है वैसे कि वैसे आपको जाप करना है, आप कोई भी शब्द को मत बदलिएगा। ठीक है, अब अंत में
आपको जब आप मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तब आपको अंत में जो दिया होता है उसको अपने हाथ से बुझाना होता है, ठीक है। और पहले ही आप दिए में इतना तेल डालिएगा भाई वो बीच में ना बुझ जाए। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो आपका दीपक जो है वो अखंड होना चाहिए, जितने टाइम तक आपकी साधना चलती है उतने टाइम तक वो दीपक नहीं बुझना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा भाई, आपका जब दिया जल रहा था उसको आपको अपने हाथ से बुझा देना है। अब दिया जब आपने अपने हाथ से बुझा दिया है तो उसके अंदर कुछ तेल बच जाता है भाई, दिए के अंदर तेल ख़त्म हो गया तो उसकी बात के अंदर थोड़ा बहुत तेल बचेगा, उस तेल को आप निचोड़ दीजिए या फिर जो तेल बचा है उसको आप अपने हाथों से बचे हुए तेल को अपने पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें लगा लीजिए। पैरों के तलवों में लगाने के बाद में आपको आसन से उठ जाना है और जाकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में वापस आकर आपको आसन के ऊपर बैठना है और यंत्र जो होता है उसको एक धागे में फिरो लेना है और फिर उसको माता को प्रणाम करते हुए और प्रार्थना करते हुए और जो मंत्र आपको बताया गया है उसी मंत्र का जाप करते हुए उस यंत्र को अपने गले में धारण कर लेना है। फिर आपको एक बर्तन लेना है, यज्ञ के आकार का बर्तन ले लीजिएगा। यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं तो पहले ही कर लीजिएगा। उसमें आपको आम की लकड़ियों से यज्ञ करना है, आम की लकड़ियों की व्यवस्था भी आप पहले ही कर लीजिएगा। आम की लकड़ियाँ उसमें डालिए और कपूर के द्वारा आप उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए और फिर सरसों का तेल और राई दोनों को मिलाकर आप जो हैं उससे यज्ञ कीजिएगा। आपको 1000 आहुतियों से यज्ञ करना है और मंत्र जो है वही रहेगा जो आपने साधना में प्रयोग लिया है, उसी मंत्र को जाप करते हुए 1000 आहुतियों से आपको यज्ञ करना है। अब देखिए बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे भाई हम 1000 आहुति कैसे गिने, तो 1000 आहुति आप ऐसे तो नहीं गिन पाएंगे क्योंकि आप उस समय यज्ञ कर रहे होंगे और आपका जो पूरा ध्यान होगा वो मंत्र पे होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक अन्य माला ले सकते हैं जिसमें 100 मूंगे हों, ठीक है, जिसमें 100 दाने हों, आप उसको बाएं हाथ में ले लीजिएगा और जब आप आहुति डाल रहे हो तो आप एक एक मनके को फिरोते जाइएगा जिससे कि आपको पता चलता जाएगा कि भाई 10 मालाएं पूरी हो जाए तो आपका 1000 जाप पूरा हो जाएगा, तब आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको जो है वापस से उठना है और फिर स्नान दोबारा से करना है। स्नान करने के बाद में वापस से आसन के ऊपर आपको बैठना है और जो मंत्र था उसको दोबारा से 3 माला आपको जाप करना है। 3 माला जाप करने के बाद में आपको वहाँ से उठ जाना है, माता को प्रणाम करना है और उठ जाना है। उसके बाद में आपको अगले दिन जब दूसरा दिन आएगा सुबह तो आपको जो छोटी बच्ची होती है छोटी बच्चियों को आपको जो है भोजन कराना है, छोटी बच्चियों को भोजन कराना है, उनको दक्षिणा भी देनी है भाई 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी आप दे सके वो आपको सभी बच्चियों को देनी है। और हो सके तो अगर आप छोटी छोटी बच्चियों को लाल रंग की चुनरी या फिर लाल रंग के वस्त्र भी दे सके तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा, नहीं तो अगर वस्त्र नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको भोजन जरूर कराना है और उनको दक्षिणा जरूर देनी है। साधना पूर्ण होने पर आपको अपने यंत्र को अपने पास रखना है हमेशा, ठीक है। जब भी आपको इस साधना का प्रयोग करना हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, तो इस यंत्र को अपने पास रखना है और यंत्र को अपने पास अपने गले में धारण कर लीजिएगा। और जब भी आपको कोई भी सवाल का जवाब प्राप्त करना होता है तो आपको यंत्र जो है वो दाहिने हाथ से इसको स्पर्श करना होता है और जो मंत्र आपने साधना में प्रयोग लिया था उस मंत्र का आपको जाप करना होता है। जब आप मंत्र का जाप करोगे तो जब आप 5 बार जाप कर लोगे तो आपको अपने कान में माता की आवाज़ आएगी, वो कहेगी हाँ, या फिर आपको हाँ के रूप में कोई ना कोई उत्तर जरूर मिलेगा। तो उसके बाद में आपको जो भी चीज़ है उसके बारे में सवाल पूछना है, उसके बाद आपको तुरंत जो है उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ें आप पूछोगे उसके बारे में 100% जानकारी मिल जाएगी। और तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर परीक्षा के बारे में जानकारी मिलेगी, भाई इससे सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, चाहे आपकी परीक्षा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी गुप्त चीज़ के बारे में क्यों ना आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो, हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ तक कि अगर आप कोई साधना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं भाई मैं इस साधना को करूँगा तो सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए साधना 1 दिन की है और बहुत ही सरल साधना है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी एकाग्रता। साधना के दौरान आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साधना में पहली बार सफलता नहीं मिल पाती,
तो उन लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है भाई, एक तो कभी कभी क्या होता है कि वो साधना क्षेत्र में अभी अभी नए जुड़े हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा उस लेवल की नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे साधक तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो कई प्रकार की साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं समय समय पर, तो वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहते हैं, जिस कारण से अगर वो कोई भी साधना करते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, और उनके साथ उनके गुरु का भी साथ रहता है, तो उस कारण से उनकी ऊर्जा अगर कम भी होती है तो उनकी गुरु के द्वारा उनकी ऊर्जा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उनके साथ उनके गुरु की ऊर्जा रहती है, जिसके कारण वो जो भी साधना करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। और नए साधकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो केवल खुद की ऊर्जा के माध्यम से ही साधना करते हैं। इसीलिए जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को अपना गुरु मानिए या फिर अपने इष्ट देव को अपना गुरु मानिए, और फिर उनको गुरु मान के हर प्रकार की साधना शुरू कीजिए। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ भाई, आप कोई भी साधना करो आपको हमेशा ध्यान करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले दिन में 5 मिनट 10 मिनट आप रोज़ाना ध्यान कीजिए, उससे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लग जाएगा। अपने गुरु का ध्यान कीजिए, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे बढ़ना लगेगा, और आपको अनुभव भी होते हैं इसके द्वारा। जब आप अपने गुरु का ध्यान करोगे तो बाद में आपको अनुभव भी होना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान करने की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आपकी जो ऊर्जा होती है वो बढ़ने लग जाती है, और आपको बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप हर प्रकार की साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपको इस साधना में सफलता प्राप्त हो जाए तो इस साधना का हमेशा सदुपयोग कीजिएगा, कभी भी दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर आप दुरुपयोग करोगे तो आपको बाद में दिक्कत देखने को मिल जाएगी। और जिन भाइयों की साधना एक बार में सफल नहीं हो पाती, एक बार में सफलता नहीं मिलती है, वो दोबारा भी इस साधना को कर सकते हैं। और दोबारा जब आप इस साधना को करोगे तो आप जो सामग्री इसमें प्रयोग ली गई थी भाई, जो यंत्र आपने पहले बार उपयोग किया है, उसको आप दोबारा से भी उपयोग कर सकते हैं। यंत्र आप ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, छोटा यंत्र लीजिएगा, जिससे कि आप बाद में गले में भी धारण कर सकें। इस तरीके से आपकी ये साधना पूर्ण होती है, और आपको सभी प्रकार की जानकारी जो है आपके कर्ण में उपलब्ध हो जाती है। अब देखिए, और भी कई प्रकार की साधनाएं हैं इस तरीके से, जिनके द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पाचांगुली साधना है, उसके बारे में मैं आपको एक अन्य वीडियो में जानकारी ज़रूर प्रदान करूँगा। वो भी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार साधना है, बहुत सारे साधकों ने उसे भी सिद्ध किया है और उसके द्वारा भी उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है, तो उनको भी जो है मैं ये साधना जरूर उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इस साधना से संबंधित तो आप बता दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए साधना के दौरान तो भी आप बता दीजिएगा। और साधना के दौरान कुछ नियमों का आपको ज़रूर पालन करना है भाई, साधना तो एक दिन की है लेकिन फिर भी आपको 2-3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो स्वच्छता है। जब भी आप साधना करो तो पवित्रता का आपको हमेशा हर साधना में ध्यान रखना चाहिए। अब मैं जब पवित्रता का उल्लेख करता हूँ, पवित्रता के बारे में कहता हूँ, तो इसका मतलब यही नहीं होता कि भाई आप जिस जगह साधना कर रहे हो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए या फिर आपके वस्त्र ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मेरा तात्पर्य आपके मन से भी होता है, आपका मन भी उस समय पवित्र होना चाहिए। कोई भी बुरे विचार किसी के भी प्रति आपके मन में काम क्रोध नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी साधना जो है वो सफल हो पाती है। अगर आपके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या क्रोध का भाव है या फिर वासना का भाव भी अगर आपके मन में आ रहा है तो आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए इन भावों को अपने आप से हमेशा दूर रखना चाहिए, और ये भाव तभी दूर होंगे जब आप ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही आप इन भावों को दूर कर सकते हैं। ऐसे अभी भी जो है क्रोध पर अपनी वासना के ऊपर नियंत्रण पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो इसीलिए आपको हमेशा साधना में ध्यान करना है और इन भावों पर नियंत्रण रखना है, यानी कि पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है साधना के दौरान। और साधना के दौरान आप बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा। अगर आप झूठ बोलोगे भाई, आप जिस दिन साधना कर रहे हो उस दिन आप झूठ बोलोगे तो आपकी ऊर्जा नीचे गिर जाएगी, जिसके कारण आपकी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो आप झूठ मत बोलिएगा, और उस दिन आप किसी का बुरा मत कीजिएगा, क्रोध मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप साधना को कीजिएगा, तभी आपको साधना में सफलता प्राप्त हो पाएगी। अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहिए, जिससे कि आपको उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे तरक्की मिलती रहे। और अगर कोई भी परेशानी आए तो आप हमसे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। साधना में अगर आपको कोई ज़्यादा खतरनाक अनुभव हो तो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, जो भी परेशानी होगी उसका हम समाधान करेंगे। अब देखिए, वैसे तो इस साधना में आपको कोई ज़्यादा खतरनाक अनुभव नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है भाई कुछ लोगों को हो, तो आपको अगर ज़्यादा डर लगे तो आप अपना सुरक्षा घेरा भी खींच कर बैठ सकते हैं। वैसे आपको कोई भी ज़्यादा खतरनाक अनुभव नहीं होंगे। अब मैंने आपको साधना का समय नहीं बताया था, उसके लिए समझ जाता हूँ, शुरुआत में नहीं बताया। तो साधना का जो समय रहेगा वो रात्रि का होगा, रात्रि में 9 बजे के बाद में आपको साधना करनी है। रात्रि में 9 बजे के बाद में आप साधना कीजिएगा। सारी की सारी सामग्री मैंने आपको बता दी कि भाई आपके वस्त्र लाल रहेंगे, जैसा आपकी दक्षिण रहेगी, वार शुक्रवार रहेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है।
और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, आपकी जो भी परेशानी होगी उस परेशानी का हम जरूर हल करेंगे। और एक बात और, आप जिस भी साधना में अपने वस्त्र प्रयोग में ले रहे हैं तो वस्त्र कभी भी ज़्यादा टाइट मत पहना कीजिए, आप वस्त्र जो है हमेशा थोड़े ढीले वस्त्र फहरा कीजिए, तो उससे जो है आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं भटकता। अगर आप ज़्यादा टाइट वस्त्र पहनते हो तो आपका आधा सा ध्यान तो आपके शरीर पर ही रह जाता है, इसलिए आपको हमेशा जो है ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। और जो आप पर बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता में मदद मिलती है, क्योंकि कई बार देखिए 10 महाविद्याओं की साधनाएँ, अगर आप इनमें से किसी भी साधना को करते हैं तो आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो बहुत जल्दी कार्य कर रही होती है, जिसके कारण आपका शरीर भी गर्म होने लगता है, आपको गर्मी लगने लगती है। और अगर आप ज़्यादा टाइट वस्त्र पहनोगे तो आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अगर आप ढीले वस्त्र साधना में धारण करोगे तो आपको अगर ज़्यादा गर्मी भी लगेगी तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप ढीले वस्त्रों का प्रयोग कीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आए साधना के दौरान तो आप हमसे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हम जरूर समाधान करेंगे। आप सभी लोगों को हमने साधना प्रदान कर दी है, कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जिन्होंने पुस्तक मांगी थी उनकी पुस्तक उपलब्ध करवा रहा हूँ, और कुछ समय से मैं वीडियो कम ही उपलब्ध करवा रहा हूँ, उसका कारण यही है कि मैं कुछ समय से बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो हैं आपको समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूँ। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आ रही है कि वो वीडियो को आगे शेयर नहीं कर रहे, तो भाई जी आप वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो उसका हमें पता चल जाता है, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि इस चैनल को आपका सहयोग प्राप्त हो सके। आप और मैं का एपिसोड मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जल्दी मैं आप और मैं का एपिसोड भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं उन सभी लोगों के बारे में आपको बताऊँगा जो कि चैनल को सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए आप जो है इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी दिक्कत आए तो भी आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आगे शेयर करोगे तो अन्य लोगों को भी ये साधना जानने को मिलेगी और चैनल को भी सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए इस वीडियो को सभी लोग आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।